देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने टाइप किया है फुल नेम। इस फुल नेम में से क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम निकालना है। जैसे दोस्तों विशाल कुमार का विशाल, ठीक है, ऐसे दोस्तों बहुत सारे नाम है, उस नाम में से आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम निकालना है। देखिए दोस्तों, तब यहाँ पर जो है आपको ऐसे नॉर्मली लेफ्ट फंक्शन हमारा काम नहीं करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मान लो मुझे जो है विशाल कुमार का केवल विशाल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया लेफ्ट, मुझे जो है लेफ्ट से चाहिए, ठीक है, तो मैंने लेफ्ट सेलेक्ट किया। कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने लगाया कॉमा। बोल रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेफ्ट से कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे मान लो विशाल है, विशाल में कितने कैरेक्टर है, लेफ्ट में 6 कैरेक्टर है, तो मैंने 6 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विशाल आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ ऐसे, देखिए दोस्तों मैं ड्रैग किया, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों हमारा 6 कैरेक्टर ले रहा है। हम चाहते हैं जैसे ही ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक क्या हो कि हमारा यहाँ पर कितना करेक्टर हो जाए, राम में कितना करेक्टर था, 3 था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे ये चेंज नहीं हो रहा है, सभी में हमारा कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब एक चीज देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम किसी प्रकार अगर हम दे दें स्पेस कितनी नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर जो मैं लेफ्ट फंक्शन में 6 नंबर दिया हूँ, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ स्पेस कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो देखेगा स्पेस कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, तो ये 4 तक ही हमारा ड्रैग करेगा। देखो तो यहाँ पर मोहन में 5 है, उसके बाद 6, 6 के बाद हमारा ये ड्रैग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने अंश में, 4, 5वें पे जाने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दिया है नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर यहाँ पर दे दे दोस्तों स्पेस कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो ये दोस्तों आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखो दोस्तों, एक आपको फंक्शन जानना जरूरी है जिसका नाम है क्या, फाइंड। मैंने लिखा फाइंड, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या फाइंड करना है, स्पेस। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने ऐसे स्पेस टाइप कर दिया, ठीक है, कॉमा लगाया, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं देखना चाहता हूँ स्पेस कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। देखिए तो 7 आ रहा है, इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए तो सभी की स्पेस का नंबर दिखा रहा है। अब ये क्या करेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 6 को हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पे यही मैं लिख दिया क्या, फाइंड, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर दिया स्पेस, ठीक है, और इसके बाद मैंने विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में मुझे फाइंड करना है, ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, अब ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, ये क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, इसके जगह पे एक हमारा नंबर ही आउटपुट आ रहा है ना, तो वे नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है, स्पेस का नंबर है, ठीक है, मैंने किया एंटर। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए दोस्तों ड्रैग किया मैंने, देखिए तो ऑटोमेटिक सबका ये फील हो गया, यहाँ पर फाइंड फंक्शन ने समझ लिया स्पेस कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, ये 4 तक ही करेक्टर हमारा लेफ्ट से लेगा, ठीक है। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे दोस्तों आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।